बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मी इरफान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस में ऑल यूज़र के सेक्शन में यूअर प्रोफाइल के बारे में। देखेंगे कि हम यूज़र की जो प्रोफाइल है उसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को किस तरह से एडिट कर सकते हैं। बिना टाइम ज़ाय किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डैशबोर्ड मेरे पास ओपन है, मैं जाऊँगा यूज़र में, उसके बाद यूअर प्रोफाइल में। यूअर प्रोफाइल में जाऊंगा तो ये मेरी प्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे कह रहा है विजुअल एडिटर, आपको विजुअल एडिटर की ज़रूरत है या नहीं है इसको चेक कर सकते हैं। विजुअल एडिटर मतलब जहाँ पे हम पोस्ट वगैरह लिखते हैं वहाँ पे विजुअल एडिटर की अगर आपको ज़रूरत है। विजुअल एडिटर मतलब HTML, सेंटेक्स हाईलाइट अगर कोई मसला हो जाए, डिसेबल सेंटेक्स हाईलाइट व्हेन एडिटिंग कोड, ओके हो गया। उसके बाद कह रहा है कि एडमिन पैनल का जो आप कलर है वो चेंज करना चाहते हैं, ये देखें, ओके ये आपने नोट किया होगा, ये अगर चेंज करना चाहते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कीबोर्ड शॉर्टकट, जो शॉर्टकट हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन में जाके हम कीबोर्ड की शॉर्टकट अगर यूज़ करना चाहें, उसे ऑन करना चाहते हैं या ऑफ़ करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। टूल बार, ये जो टूल बार आ रही है, ये जो टूल बार आ रही है इसको शो करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर जाऊँगा इसको यहाँ पर रख के इसको जाके रिफ़्रेश करता हूँ, अभी आ रही है, लेकिन इसको सेव करूँगा नीचे जाके टूल बार जो है अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा, जो नीचे ऊपर टूल बार आ जाती है ये ऑफ़ हो जाएगी। इसको शो ही रहने देता हूं। उसके बाद यूज़र नेम हम चेंज नहीं कर सकते, फर्स्ट नेम चेंज कर सकते हैं, लास्ट नेम चेंज कर सकते हैं, निक नेम चेंज कर सकते हैं, एडमिन क्योंकि हम एडमिन हैं। अगर किसी और यूज़र की प्रोफाइल को हम चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर शो होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे निक नेम जो यूज़ करेंगे वो यहाँ पे शो होगा। अब दो अगर हमने बना लिए हैं तो फिर दो शो होंगे। उसके बाद हमारी ईमेल जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं, वेबसाइट अगर कोई और वेबसाइट है हमारी उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे बायोग्राफी लिख सकते हैं, इमेज चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल इमेज। लेकिन इसको चेंज करने का तरीका कुछ और है, वो एक न्यू वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद आ रहा है अकाउंट मैनेजमेंट, अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं यहाँ से न्यू पासवर्ड जनरेट करें, अगर लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करें लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। तो ये तरीका था प्रोफाइल चेंज करने का, प्रोफाइल को एडिट करने का, सेम वही प्रोसेस जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं फेसबुक में। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।